Hey you guys, what's up? This is Deepthi and welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. Good morning from Konkan. सो गाइज़ यहाँ तक तो हमारा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है और वेलनेश्वर में तो रिसोर्ट विद बीच व्यू एंड यू नो इस कोविड में इस कोविड टाइम में यू नो ये मेरे लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मच नीडेड ब्रेक था। एंड अभी हम निकल रहे हैं वेलनेश्वर से गणपतिपुले तक और वहाँ पे भी कल जैसे ही रोड साइड व्यूज़ मिलेंगे। मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे एटलीस्ट वन नाइट के लिए तो आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, यहाँ के रिसॉर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और बीच व्यू तो कमाल का है। जैसे मैंने आपको सुबह बोला था कि हम जिस रास्ते से आज जाने वाले हैं वेलनेश्वर टू गणपतिपुले, तो वो रास्ता जो है बीच को टच होकर जा रहा है, तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है इससे। जिस रास्ते से जा रहे उसके राइट हैंड साइड पे ऑल द टाइम सी है और वो सी के वेव्स की आवाज़ हमारे कानों पे आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंटली हमें मिल गया है एक गर्मा गर्म वड़ा पाव का स्टॉल। तो अभी हमने गाड़ी साइड में लगा दी है, ब्रेकफास्ट सुबह किया है लेकिन फिर भी एक एक वड़ा पाव का महाराष्ट्रियन लोगों के पेट में एक वड़ा पाव के लिए हमेशा जगह रहेगा ही रहेगा। कुछ कितना भी कुछ खा लो गर्म गर्म वड़ा पाव आपको ऐसे वेव्स के मतलब साउंड्स के साथ और वेव के इसके साथ सीन के साथ विद वड़ा पाव गरमा गरम वड़ा पाव ये तो करेंगे। और अभी हाँ गाइज वन मिनट, आज भी हम फेरी बोट से जा रहे हैं। मिनट्स और 10 मिनट्स का रास्ता होगा उसके गणपतिपुले जाने के लिए। दो रास्ते हैं एक्चुअली लेकिन वो दूसरा 30 किलोमीटर ज़्यादा कौन जाएगा, सेफ भी है ये। अभी हम यहाँ पे जो रुके हैं तो इस बारे में ये भैया आपको जानकारी देंगे, तो बताइए हमें। काशिमडे बीच है और ये बीच ऐसा है कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में दो ही बीच ऐसा है कि दोनों बीच सेफ है, सिर्फ नरवन बीच और तवसार काशिमडे बीच सेफ है। ये चालू किया है वड़ा पाव का एक शॉप, टेस्टी वड़ा पाव देते है भैया। मैम ने हम लोग ने उसको पहली बार यहाँ पे ऑनलाइन लिया और मैम को आप सबको लोग सपोर्ट करना और अच्छे से कमेंट्स करना। हम लोग भी अभी आगे मैडम का ये चैनल हमेशा देखते रहेंगे, हम लोग के दोस्त को भी बताएंगे कि आप सब्सक्राइब करो और ये चैनल आप देखो। अभी रुपए फेरी बोट की टिकट निकालने के लिए और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपके पास कैश होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास तो अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म ही हो गया है कैश, क्योंकि हमें आदत होती है पे फ़ोन पे यूज़ करने की। एटलीस्ट कोकन में आते हो ज़्यादा कैश रखा करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो है वो बहुत ही अच्छे से बीच में लगाइए ताकि हमें बाद में निकाल ले तो बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। अच्छे मिल रहे हैं तो अभी हम चलते हैं सनरूफ ओपन करके निकलेंगे।
मैंने आपको बोला था कि जाते टाइम हमें बहुत अच्छे व्यू मिलने वाला है, तो देखिए आप वो व्यू। ये यहाँ से रास्ता जा रहा है और यहाँ पे हमने गाड़ी हमारी जो है पार्क की है, एंड आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जस्ट बीच को टच करता हुआ रास्ता और ये है बीच। इट्स ऑसम। ये बीच का जो मजा है ना, वो मुझे ऐसे लगता है कि वो बस सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने के बाद बहुत ज्यादा आता है, ऐसे पर्सनली मुझे तो लगता है। इसकी वजह से इतना अच्छा बीच है, आप देख पा रहे हो। रुकने का इतना मन है लेकिन रुक नहीं सकते क्योंकि धूप बहुत ही ज्यादा है। अभी हम गणपति पुले आ गए और यहाँ पे गणपति पुले में MCDC का रिसोर्ट लिया है और बहुत ही अच्छा है ये। वो जो वेलनेश्वर का रिसोर्ट था उससे भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, और हम यहाँ पे आज रुकने वाले हैं बाम्बू हाउस में, जो कि कुछ नया एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। तो जस्ट टेक अ लुक गाइज, बहुत ही ऑसम और बहुत ही मस्त रिसोर्ट है ये। तो ये है आज का हमारा से। मस्त है, पूरा बांबू का बनाया हुआ है। कुछ अलग एक्सपीरियंस करना था हमें, दैट्स व्हाई वी पुट यहाँ पे ये कपड़ दिया है उन्होंने। से बहुत ज्यादा ही निकला ना ये, है ना? फैसिलिटी भी बहुत अच्छी दी है एक्चुअली, क्या बोलते हो? काफी अच्छा। या, बहुत ज्यादा अच्छा है। यूनिक फील आ रहा है। बांबू कॉटेज तो है लेकिन विद ऑल द फैसिलिटीज, इंक्लूडिंग फ्रिज है, अप टू डेट मतलब अप टू द मार्क बाथरूम वगैरह भी है, एवरीथिंग इज देयर। AC है, छोटा फ्रिज दिया है जो कि वेलनेश्वर के MTDC में नहीं मिला था। चलो अभी चलते हैं लंच। चलो अभी लंच करते हैं। ऐसे रिसोर्ट है MTDC का कि नॉर्मल सेक्शन अलग है और ये बांबू हाउस का सेक्शन एक आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच में, और उनका रेस्टोरेंट अलग है, इधर का अलग है, मतलब दिस इज लाइक अ प्रीमियम फी। यहाँ आपको प्रीमियम फील होगा, रिसेप्शन अलग है, बाहर आपने व्यू देखा ही होगा कैसा है सारा। दिस इज लंच कहाँ पे है? इतना बड़ा है ना ये, चलते चलते ही जान चली जाएगी मेरी, और वैसे भूख बहुत ज्यादा लगी है। क्या क्या सॉरी रेस्टोरेंट बोल रहे हो क्या? आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्ट। मस्त सो के उठे हैं अभी, और अभी हम आए हैं बीच पे। बीच पे लोग बोलते हैं बीच पे उनको दारू पीना पसंद है, मुझे बीच पे, बीच हो या कहीं भी हो, बारिश गिर रही हो, मुझे चाय बहुत पसंद है क्योंकि मैं चाय लवर हूँ, यू गाइज नो दैट। या अभी चाय पी के आते हैं। और अभी जो हम हैं, हमारा पूरा टाइम अब से रात के 10 बजे तक
हम बीच पे ही स्पेंड करने वाले हैं। पार्ट है वो MTDC का, मतलब हम जहाँ पे रिसोर्ट में रुके हैं वो पार्ट नहीं आता है क्या? वो दैट्स व्हाई दे आर नॉट अलाउड टू कम हियर। अलाउड ऐसा नहीं है, कौन चलेगा, चल के तो तुम आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये। ओके, MTDC तो जो कल का बीच था ना उससे ये बहुत ही बेहतर है, बहुत क्लीन है, बहुत मस्त है, हवा भी उससे ज्यादा तेज है, मस्त लग रहा है यहाँ पे। आज कुछ चढ़ना उतरना भी नहीं है पहाड़, कुछ कल के बीच पे जाने के लिए रिसोर्ट से नीचे। तो कल तो आपने देखा ही होगा कि हम कैसे चल के गए थे, लाइक वहाँ पे स्टेयर्स बनाए थे उन्होंने, लेकिन यहाँ पे बस आपने देखा हमारा बाबू हाउस जो है इतने से ही है।